बॉलीवुड के माचो मैन जॉन अब्राहम के कॉन्फिडेंस के बारे में तो हर कोई जानता है, और इन दिनों जॉन अपनी अपकमिंग फिल्म एक विलन रिटर्न्स के प्रमोशन में खूब बिजी है। इससे पहले जॉन को आखिरी बार अटैक वन में देखा गया था और ये मूवी पूरी तरीके से सिनेमाघरों में पिट गई थी, लेकिन जॉन अब एक विलन रिटर्न्स के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। जॉन के चाहने वालों को उनकी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं, और जॉन फैंस की इस उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जॉन अब अपने बड़बोलेपन के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जॉन ने कहा कि OTT पर 299 रुपए में बिकने को तैयार नहीं है, वो बड़े पर्दे के स्टार है। दरअसल एक मीडिया से बातचीत करते वक्त जॉन ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्में नहीं देख सकते क्योंकि वह बड़े पर्दे के हीरो है। जॉन ने साथ ही आगे बात करते हुए कहा कि एक प्रोड्यूसर के तौर पर तो मुझे OTT पसंद है, लेकिन एक एक्टर के तौर पर नहीं। मैं इस मीडियम और उसके ऑडियंस के लिए फिल्में बनाता हूँ, लेकिन एक एक्टर के तौर पर मैं केवल बड़े पर्दे पर ही रहना चाहता हूँ। जॉन ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा कि वह नहीं चाहते कि लोग उन्हें 299 या 499 रुपए महीना देकर अपने छोटे स्क्रीन पर देखे। जॉन ने ये भी कहा कि उन्हें बहुत बुरा लगा। जॉन ने ये भी कहा कि उन्हें बहुत बुरा लगेगा जब घर पर कोई उनकी फिल्म देखते हुए बीच में रोक देगा। उन्होंने कहा कि मैं अब वही फिल्में करूंगा जो बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। मैं नहीं चाहता कोई अपने टैबलेट पर फिल्म रोक कर वॉशरूम चला जाए। इसके अलावा मैं 299 या 499 रुपए महीने के लिए बिकने को भी तैयार नहीं हूँ, बस OTT से यही मुझे समस्या है। अब जॉन अपने आप को बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार मानते हैं, लेकिन उनकी 5 फिल्मों का रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बयां करता है। अब तक जॉन की रोमियो अकबर वाल्टर, बटाला हाउस, पागल बंती, सत्यमेव जयते 2 और अटैक 1 बुरी तरह से पिट गई है, लेकिन तब भी जॉन का कॉन्फिडेंस देख फैंस हैरान हो रहे हैं। इसके लिए अभी देखना बनता है कि जॉन की अपकमिंग फिल्म एक विलन रिटर्न्स कितना कमाल मचा पाती है। लेकिन अब आपको जॉन का ये कॉन्फिडेंस देखकर क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड की सभी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट के साथ। धन्यवाद।